नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों गदर टू का। किस तरह का माहौल आज आपने देखा होगा, जबरदस्त तरीके से लोग ट्रैक्टर में बैठ बैठ कर फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। वीडियो डालूंगा मैं, बहुत सारी वीडियो मैंने डाले आपके लिए आज, और मैं डालूंगा वीडियो। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त थिएटर में सेलिब्रेशन हुआ आज, नाच गाने सीटियां तालियां गड़गड़ाहट, ऐसा क्रेज तो मैंने किसी फिल्म का नहीं देखा दोस्तों। कई वर्षों से किसी फिल्म का ऐसा क्रेज नहीं देखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गदर टू की आज 50 करोड़ तक जा सकती है, 40 करोड़ प्लस तो डेफिनेटली होना ही होना है। इसमें तो अब खुद से मतलब बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं, 45% से ज्यादा थिएटर ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो और आफ्टरनून शोज की, और नाइट शो इवनिंग शो की तो मुझे लगता है कि 60% 70% तक की थिएटर ऑक्यूपेंसी जाने वाली है। तो दोस्तों 40 करोड़ प्लस तो डेफिनेटली यहाँ से आने वाला अपने इंडिया से। नेट कलेक्शन की बात करो, ग्रोस तो 50 करोड़ जाना ही जाना है, और ओवरसीज से भी कम से कम 10 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन आ सकता है, अभी तक कोई डाटा मेरे पास नहीं है। तो 50 करोड़ प्लस पहले दिन पक्का ही मान के चलिए आप, इसमें किसी को किसी को सबको नहीं नहीं चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो एक्टर्स कहाँ है, जो लोग फ्लॉप बोल रहे थे वो कहाँ है, क्या छोड़ी है उनकी, देश जश्न मना रहा है गदर टू के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है और होता रहेगा, पहले भी था आज भी है, और हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा ही। अब दोस्तों आज के वीडियो में आपको बता देता हूँ, सेकंड डे भी गदर टू का उतना ही क्रेज रहने वाला है जितना पहले दिन था। अब जब मैंने ये वीडियो बनाया है उस समय तक गदर टू की कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और दोस्तों किस प्रकार की थिएटर ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ आपको। दिल्ली एनसीआर में 1070 शोज में 732 शो है, 732 हाउसफुल, 732 शो हाउसफुल, 138 शो फास्ट फिलिंग, 65% थिएटर ऑक्यूपेंसी। मुंबई 866 शो में से 286 हाउसफुल, कल की बता रहा हूँ, कल की बात ध्यान रखना, और 171 शो हाउसफुल, 1786 हाउसफुल, 171 फास्ट फिलिंग, 37% थिएटर ऑक्यूपेंसी। पुणे 337 शो, 88 शो हाउसफुल, 68 शो फास्ट फिलिंग, 32% थिएटर ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 190 शो, 100 शो हाउसफुल, 24 शो फास्ट फिलिंग, 47% थिएटर ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 212 शो, 70 शो हाउसफुल, 39 शो फास्ट फिलिंग, 35% थिएटर ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 207 शो, 51 शो हाउसफुल, 29 शो फास्ट फिलिंग, 29% थिएटर ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 530 शोज, 215 शो हाउसफुल, 96 फास्ट फिलिंग, 45% थिएटर ऑक्यूपेंसी। सूरत 327 शोज, 100 शो हाउसफुल, 53 शो फास्ट फिलिंग, 34% थिएटर ऑक्यूपेंसी। जयपुर 188 शो, 166 हाउसफुल, 10 फास्ट फिलिंग, 76% थिएटर ऑक्यूपेंसी। ये कमाल लगा इधर का, पूरे देश भर में ऐसा है दोस्तों। अब कहाँ कहाँ की रिपोर्ट बताऊँ आपको, हर जगह 40% 50% थिएटर ऑक्यूपेंसी, हाउसफुल फास्ट फिलिंग, हाउसफुल फास्ट फिलिंग, हाउसफुल फास्ट फिलिंग। तो गदर टू की अब तक एडवांस बुकिंग, जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक करीब 9.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, और ये करीब 3 बजे तक की रिपोर्ट है, करीब 3 बजे तक की। डेफिनेटली रात को ये 15 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग जाने वाली है, और कल की जितनी 18 करोड़ भी चली जाए तो अच्छे मत कीजिएगा, सुबह बात करेंगे कितनी एडवांस बुकिंग एक्चुअली हुई है। लेकिन 3 बजे तक इसकी 351,980 351,980 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, 351,980, ये गदर का कमाल है। और रात को 5 लाख से ज्यादा टिकट जाने वाले हैं, 5 लाख से ज्यादा टिकट जाएंगे डेफिनेटली। रात को तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, आज काफी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कल सुबह जरूर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की मतलब ये कलेक्शन कर सकती है। तो डेफिनेटली आज के जितना कलेक्शन मुझे लगता है कल भी करेगी, अगर 15 करोड़ से ऊपर एडवांस बुकिंग जाती है तो दोस्तों 50 करोड़ हो सकता है क्या, कल बात करेंगे, कल सुबह तक इसकी रिपोर्ट आएगी तो कल सुबह बात करेंगे, और लगातार वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।